नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं आपके सक्षम आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं खास खबरों की ओर। आपको जानते हैं कि बूंदी जिले में सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी डॉक्टर्स ग्रामीण एरिया में अपनी सेवा देने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। नैनवा सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं नहीं देना चाहते। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना अभी भी चुनौती का कार्य बना हुआ है। इसलिए मरीजों को राहत देने के लिए विश फाउंडेशन से अनुबंधित जजावर अस्पताल में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू कर नई पहल की शुरुआत की गई। क्षेत्र के लोगों को अब आसानी से इलाज मिल सकेगा। अस्पताल में कार्यरत मेल नर्स हर्ष सेन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। टेलीमेडिसिन की सुविधा मिलने के बाद लोगों को सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित रोग चिकित्सक से बात होगी, जो समस्या की जानकारी करने के बाद पर्ची में उपचार लिखेंगे। टेलीमेडिसिन से ऐसे मिलेगा फायदा। आपको बता दें कि ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि टेलीमेडिसिन के जरिए वह मरीज की रिपोर्ट दिखाएंगे, मरीज को क्या क्या दिक्कत है वह भी बताएगा, जिस पर चिकित्सक तुरंत अपना स्पर्श कर उस चिकित्सा अपना कार्य करेंगे। क्या सुविधा मिले आपको मशीन से देखने को? तो अगर इसी को लेके आपको अगर दिखाना चाहते तो कहाँ जाते? आप लोगों को ये जानकारी देते हुए बड़ा हर्षित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे PHC जजावर जो PP मोड पे चल रही है नैनवा ब्लॉक में, वहाँ पर हमारी टेलीमेडिसिन का शुभारंभ हो गया है। इसकी खासियत ये है कि ये OPD टाइम के दौरान तो मरीजों को सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा ये 12 से 5 का जो हमारा समय होता है जिसमें हमारे OPDR बंद होते हैं, उस समय भी मरीजों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। ये चिकित्सा सुविधा हमारी सीधी महात्मा गांधी अस्पताल से लिंक रहेगी। मैं आपको बता दें कि दौसा में चीनी आइटम का बहिष्कार कर चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। दौसा जिले के लालसोट के कस्बे मंडावरी में गुरुवार को चीनी आइटम का बहिष्कार करते हुए चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि कस्बे में मंडावरी में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र सैनी आजाद के नेतृत्व में गुरुवार को लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने की खबर सुनते ही गुस्साए कस्बे वासियों ने सड़क पर उतरकर चीनी उत्पाद सामान को सड़कों पर फेंक दिया। विरोध प्रदर्शन करते हुए चीन का झंडा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला भी दहन किया गया। राजेश पायलट राजकीय PG महाविद्यालय लालसोट के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सैनी आजाद ने मोदी सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि गलवान घाटी में सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को अब चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंता के द्वारा हाल ही में लद्दाख के गलवान घाटी में चीन द्वारा जो कायरतापूर्ण हरकत करते हुए भारत के जवानों के ऊपर छुपकर हमला किया गया, जिसके विरोध में नगर मंत्री पुनीत कुमावत की अगुवाई में सदर नागा कोटा 12 मुख्य मार्ग पर विद्यार्थी परिषद द्वारा चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही चीनी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार करने की अपील भी की गई तथा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सिकराय में कोरोना वॉरियर्स का स्वागत सम्मान किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर आज ब्लॉक स्तर पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवराम मीणा ने बताया कि राहुल गांधी का जन्मदिन प्रतिवर्ष हर वर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश एवं प्रदेश में कोरोना महामारी को प्रकोप व्याप्त है और संपूर्ण देश इससे जूझ रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे चिकित्सक अपने जीवन की परवाह न करते हुए महामारी से लड़ने में हम सबका सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी सेवाओं का सम्मान करें। इसलिए आज ब्लॉक स्तर पर चिकित्सा कर्मियों का सम्मान किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता राम अवतार गुप्ता, प्रहलाद स्वरूप मीणा, नारायण गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, दयानंद बैरवा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार।